तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है लाइव विद मोहित में। कहाँ हो तुम? अरे यार बताओ, आ गए क्या अपन लाइव? है या ये मेरा भ्रम है? इस भ्रम को तोड़ो, कमेंट करो। जब तक कमेंट नहीं आएंगे तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये वाकई में ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और कमेंट एकदम से एक साथ सारे के सारे आ गए। पाप्या बैत का पहला हाय आया आज। हाय पाप्या, पाप्या, हेलो पाप्या, कैसी है तू? धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले भाई, सुनना ले। हेलो कपकेक, बोला है कुमारी तिमसिना ने। हाय कुमारी तिमसिना। हेलो शीला शर्मा, प्रणाम है जी, प्रणाम है। चैनिका मैत्री, हाय सर। अरे चैनिका मैत्री तो मेरी जूनियर लगती है, कॉलेज की नहीं वही है क्या? नहीं यार, मेरे कॉलेज की एक जूनियर भी थी, चैनिका नाम था उसका, चैनिका मैत्री ऐसे करके। तो हाय चैनिका। तो श्रवणी कर दे, हेलो मोहित, हाय रेखा माथुर, हाय रेखा माथुर, नमस्कार निष्ठा चौधरी, हेलो श्वेता जैन, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे श्वेता? काजल शाह कह रही, मेरी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली, सेम टू यू काजल। मार्गी पूछ रही कैसे हो, मैं एकदम अच्छा हूँ मार्गी, तू कैसी है? पापिया भी पूछ रही हाउ यू, मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार। कुणाल वर्मा कह रहे लुकिंग क्यूट मो, थैंक यू कुणाल भाई। अमन शर्मा कह रहे व्हाट्सअप, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, सी यू ऑन 31st, फुल फ्लैश फॉर काउंटिंग क्लॉक। बिल्कुल अमन ब्रो, अपना 31st को शो है ना अभी उदयपुर में, काउंटिंग क्लॉक मतलब न्यू ईयर्स का शो है जी। तो बस उसी के लिए अमन अमन का कॉल आया था, पर मैं उठा नहीं पाया था क्योंकि मेरा क्या है, गला थोड़ा सा डाउन हो गया था अभी एक दो दिन। ऐसे नहीं कुछ खास, जुकाम वुकाम नहीं हुई, मैं क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा मैंने हाई पिच में थोड़ा ऐसी गालियाँ फील फील में, और फिर तो है ना, तुम यकीन नहीं करोगे, कल परसों तो मैंने मौन व्रत भी रखा था। कल परसों क्या, कल ही रखा था मौन व्रत, मतलब एकदम साइलेंट। मेरे जो गुरु जी है ना, उन्होंने सिखाया था कि जब भी तुम्हारा गला ज़्यादा खराब हो जाए ना तो कुछ ना करो, बस चुप हो जाओ एक दिन पूरा, कुछ मत, किसी दिन बात मत करो, कोई कॉल मत उठाओ, मैसेज पे बात करो सब, पर चुप हो जाओ। तो बस मैं चुप हो गया था और अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा हूँ। आज थोड़ा गला बेटर हुआ है, और गला बेटर हो ना हो, बाल तो मतलब ऐसे ही रहते हैं मेरे, वो क्या कर्ली हेयर वेरी फेयर, वो बचपन वाला हिसाब है अपने, बचपन में बड़े कर्ली बाल थे अपने, कर्ली कर्ली है। कुणाल मू सॉन्ग, अब सिंग अ सॉन्ग प्लीज भाई। आज उधर भाई की गला ऐसा हो रखा है ना, अभी धीरे धीरे रिकवरी कहूँ तो मैं, रिकवरी किया हूँ तो मैं ना ज़्यादा गा नहीं सकता हूँ, बोल भी नहीं सकता था, पर मैंने कहा यार आज तो लाइव चैट है, लास्ट वाले हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी तुम सबको गोली देकर मंडे को कर दिया था लाइव चैट, इस बार गोली नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं आ गया। तो संप्रिता कुलकर्णी कह रही फाइनली गॉट यू, मिस डू अ लॉट मुहे, इतना भी बिजी रहा ना करो कि हमें ना मिलो, थोड़ी क्रेजी करो यार, थोड़ी क्रेजी करो यार। अरे एक तो शानदार सी बात होती है, जल्दबाजी में ना कमेंट भी बड़े अतरंगी से आते हैं, मतलब तुम कई बार थोड़ी मिस्टेक भी कर देते हो ना, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, क्यूट सा लगता है, मतलब वो मिस्टेक्स भी है जी। मस्त बोलते हो यार, बड़े प्यारे बोलते हो, वाह। हम तो भाई, मैं आज आराम ही कर रहा था अभी, सच बताऊं तो मैं ना, मैंने अभी ये भी नहीं पहन रखा था, मैं तो सो रहा था, रेस्ट दे रहा था गले को, क्योंकि अभी 26th को और 27th को बहुत दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में तुमको बताऊंगा बाद में, एक बार हो जान दो। तो उसके लिए मैं गले को रेस्ट दे रहा था, इसलिए मैं बस सो ही रहा था। मेरे जो भाई हैं और जो मेरे दोस्त आए थे भी घर पे, बड़े भैया लोग, वो भी बाहर चले गए घूमने के लिए, और है ना मैं नहीं जा पाई इसीलिए, क्योंकि मेरे को गले को रेस्ट देना था, पर मैं आ गया फिर भी बात करने के लिए, क्योंकि मैं वापस से गोली नहीं दे सकता यार, सच में बात तो यही है, हर हफ्ते ऐसे गोली दूंगा तो तुम तो मतलब जान ले लोगे मेरी, नहीं, मेरी जान हो तुम, वाह यार। ऐसी मजा आ रहा है मेरे को। अनमोल अग्रवाल कह रहे हैं अरे यार एग्जाम्स चल रहे हैं, बट आई लव यू ब्रो, आई लव यू टू अनमोल भाई, एग्जाम तो चलते रहने चाहिए यार, मजा
बढ़िया पढ़ाई कर, अच्छे से देकर हम मजे कर कर एग्जाम में, शानदार शानदार वाले। रिद्धि पटेल के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क, थैंक यू रिद्धि। और खुशबू शर्मा करी ऑल द बेस्ट फॉर बोथ, थैंक यू सो मच खुशबू। अच्छा आप तुम सब बताओ, तुम सब कैसे हो, हाउ आर यू इज द, हाँ जी स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। टाइगर जिंदा है, तुम सब जिंदा हो गया, बताओ अभी जरा, जिंदा हो तो कमेंट करके दिखाओ, कमेंट करो कैसे हो तुम सब, क्या चल रहा है लाइफ में तुम्हारी। नयनिका घोष कह रही है यार कमेंट पढ़ लो मेरा, बस नयनिका अभी आपका दिखा इसलिए मैं पढ़ पाया हूँ, पहले आपका कमेंट ही नहीं दिख पा रहा इसलिए नहीं दिख पाया। हर्ष महावर, हाय मोहित भाई, हाय हर्ष। एनआरएस बोल रहा है आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये एनआरएस यार बताओ, जयपुर से आ गए हैं मुंबई में, अभी इसकी रिकॉर्डिंग थी एक सॉन्ग की, तो अभी अभी ये मेरे घर पे ही है, अभी साथ में ही है मैं, मेरा भाई और एनआरएस, मस्त। तो अभी ये और मैं अभी बता रहा था ना कि मेरा दोस्त और मेरा भाई गए हुए हैं बाहर, तो ये वो इसी की बात कर रहा था मैं एनआरएस की, तो अभी ये दोनों गए हुए हैं, दोनों तीनों बाहर गए हुए हैं और मैं आराम से घर पर बैठा हूँ अकेला, अकेला अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। आदित्य गर्ग बोल रहा है कपकेक बाला सॉन्ग प्लीज, नहीं आदित्य नहीं नहीं मैं आज गा ही नहीं सकता हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठी नहीं, मेरा ना गला, मतलब मैंने बताया ना अभी, कल तो मौन व्रत था तुम्हारा, मोहित एक शब्द नहीं बोला गले से, सच में पूछ लेना एनआरएस और भाई से, झूठ नहीं बोल रहा मैं, तो इसलिए आज ना थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं गाऊंगा नहीं। और निलशा काशु कह रहे सर प्लीज रिप्लाई वंस, निलीशा मैंने अभी आपका मैसेज देखा, अगर मैं पहले दिख लिया तो पहले रिप्लाई कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। मयंक थाड़े कह रहे भाई मयंक ना अपना कॉलेज का जूनियर है यार, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत शानदार एक्टर है, और मैं बाल पीछे कर लेता हूँ बोलते बोलते, ताकि थोड़े अजीब से लग रहे हैं कैमरा में, अब क्या करूँ यार, अब है ही ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकता इनका, अभी क्या फटा दूंगा तो और एक दो में से प्रलय आ गया हो ना जैसे, तो मतलब लास्ट दिन अर्थ पे इन बालों का, वैसे वैसे हाल इनका, तो है ना अभी क्या आपके जैसे थोड़े से मैनेज लग रहे हैं। तो मयंक थोड़ा बहुत शानदार एक्टर भाई अपना यार, इसकी एक्टिंग तो देख ली ना तो हंस हंस के एक तो पागल हो जाओगे, कॉमेडी भी करता है, इमोशनल भी करता है, हर चीज़ करता है, बहुत टैलेंटेड लौंडा है अपना। और मैंने इससे लास्ट टाइम जब हमने कॉल पे बात करी थी, मैंने प्रॉमिस लिया था कि 31st को जो मेरा कॉन्सर्ट हो रहा है उदयपुर में उसमें तेरे को आना ही है, सिर्फ इसको नहीं, हमारी पूरा एक गैंग था, मतलब इनकी क्लास के जितने भी मेरे दोस्त थे ना उन सब का एक पूरा गैंग था, हम साथ में मोदी कॉलेज जाया करते थे फेस्ट में पार्टिसिपेट करने, और बहुत शानदार चीज़ें करी हमने साथ में यार, भाई भाई लोग हैं हम, मस्त शानदार वाले। तो थाड़ा जी को वेलकम है जी, ओ यार मुझे बड़ी हो गई तो रोल करने में भी ऐसा आनंद आता है ना, मतलब क्या बताऊं, अभी मुझे छोटी थी तो मैं हाथ भी नहीं लगा पाता था शर्म के मारे कि अब किसी क्या ही तो मतलब ताव दूं, पर अभी मुझे भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना वापस से, मेरा क्या ऐसा फिक्स नहीं है, अपना मूड ही आदमी हो अपन यार, अपन को है ना मतलब जब इच्छा करती है पूरा क्लीन शेव भी करा सकता हूँ, मेरे को ऐसा कोई लाग लपेट नहीं है, अब आ जाती है तो सही है। अभय अग्रवाल कह रहे हैं हाय ब्रो प्लीज भाई एक दो लाइन फिर मुझे जल्द से पुकार दो कि सुना दो। अभय भाई काश मैं ना, काश मैं गा पाता यार तुम सबके लिए, सच बता रहा हूँ मैं गा देता नहीं तो, अगर एक गला नहीं होता तो मैं गा देता, पर फिर भी अगर आप सबको सुनना है तो मैं कुछ गा देता हूँ थोड़ा सा। फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। श्वेता जैन कह रही यू आर डैम क्यूट, व्हेन आई फर्स्ट मेट यू यू वर आस्किंग फॉर योर बॉर्नविटा मिल्क, ऐसा है क्या श्वेता है, ऐसा नहीं यार मैं क्या चाय नहीं पीता हूँ इसलिए मैं मतलब बॉर्नविटा डाल के दूध पी लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही दूध पी लेता हूँ, अदरक वाला तो मेरा फेवरेट है, गले के लिए बहुत अच्छा होता है, हल्दी वाला दूध जब आप बीमार हो, लेकिन चाय नहीं ना कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी से अपन तौबा 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 उफ टन 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 टन। तो नील पटेल कह रहे लाइफ, अरे लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, बस हैप्पी रहना है, दूसरों को हैप्पी करना है। यो ब्रो मैं पुअर लोग को कंबल दिया, इतना अच्छा लगा मेरे भाई, स्प्रेड स्माइल एंड मैरी क्रिसमस, बहुत प्यारी बात है नील भाई, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो किसी भी तरह से तो बहुत प्यारी बात है, शानदार बात है, मतलब अरे यार वाह लाइव चैट है, बताओ
भूपेंद्र जैन कह रहे हैं जोरदार भाई जोरदार, शानदार है भूपेंद्र, गजब मामला है गजब। श्रद्धा पारगी कह रही है लव योर वॉइस, थैंक यू श्रद्धा, मुझे ये वॉइस बड़ी पसंद है यार, लेकिन मतलब जब जब ठीक होती है तब, अभी तो मतलब थोड़ी वैसी वैसी है ना, इसलिए मैं कैसी कैसी भी गा नहीं सकता हूँ। निकिता गोहे कह रहे हाई यार, हाय निकिता गोहे, स्वीट हार्ट है निकिता, एकदम प्यारी सी अपनी यार। क्रिस्टीना छेत्री कह रही मैरी क्रिसमस एडवांस हैप्पी न्यू ईयर भैया, कोई बात नहीं भैया कह दो, दिल जलता है मेरा लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्यार से कुछ भी कह दो अपन को सब चलता है। मन्नत कह रही है उफ तेरी अदा, आई लव यू टू मन्नत, उफ तेरी अदा, आई वॉन्ट मेक यू मूव, उफ तेरा बदन, आई लाइक टू सी यू ग्रूव, उफ तेरी नजर, मैं भूल गया यार गाने भूल गया, बताओ। ऐसा होता है मेरे साथ में, कई बार शोज में भी होता हूँ ना, और किसी की कोई रिक्वेस्ट आती है कि सर ये वाला गाना, मैं गाता हूँ भाई, साफ साफ सी बात है नहीं आता अपन को, तो ये वाला सॉन्ग जो आता है वो गा देता हूँ, ऐसा है गाने। एल छित्री कह रहे हैं आई एम नाइन, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, मैं भी एकदम शानदार हूँ एल छित्री। डॉक्टर वैशाली बतौसिया कह रहे हाय मोहित, प्लीज मेरी एक फ्रेंड के लिए तेरे जैसा यार सॉन्ग गा दो। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड के लिए नहीं है, मेरे भी सारे जितने भी दोस्त लोग देख रहे हैं ना उन सब के लिए भी है। मनु नंदू कह रहे नो प्रॉब्लम यार, अरे यार मनु नंदू ने बताओ मेरी डीपी लगा रखी, मतलब मेरी प्रो कबड्डी में गया था ना जब इश्कन प्लक का प्रमोशन करने थे, तो मैंने एक फोटो खींची थी, वही फोटो लगा रखी है मनु नंदू ने, थैंक यू मनु नंदू यार। अरे बेल बज गई, कोई आया है, देखते हैं कौन आया है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, और घर में कोई गेस्ट आए पर उन गेस्ट का वेलकम भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लाइव चैट चल रही है, तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। क्या मैं अभी लाइव चैट कर रहा हूँ, अभी क्या है मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट है लाइफ में, अब क्या करें हम। हाँ जी हाँ जी, ऐसा लगा आंख में कुछ चला गया, अब आंख में जाने के लिए है भी तो बहुत सामान ना अपने पास में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं सारे चले जाते हैं बार बार बिना पूछे बिना बताए। हाँ तो हेलो राजीव वंश कह रहे हैं ऑसम वॉइस विद स्वीट फेस, स्वीट फेस है कब चख लिया तुमने, मीठा है बोलो तुम मिठो लागे, अरे वो गाना है ना, तो प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है वो राजस्थानी, बोलो तुम मिठो लागे, मेरे को आता नहीं हो अच्छे से, नहीं तो पक्का गाता। सृष्टि कह रहे हाय मोहित लव, अरे आज सृष्टि डे, ये लड़की ना मैं रॉस्टार के टाइम से इसको जानता हूँ, और मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना, मतलब सृष्टि तुम मिल मुझे यार कोलकाता में प्लीज, मैं जब भी कोलकाता हूँ तो एक बार भी नहीं मिली है मुझे, बड़ी बड़ी प्यारी सी लड़की है, बड़ी प्यारी सी दोस्त है अपनी सृष्टि। राहुल शर्मा कह रहे हैं हाय भाई, हाय राहुल शर्मा। पूजा वडल कह रहे हैं हाय हाय पूजा। प्रिया पांडे कह रहे कभी तो रिप्लाई दो, अभी आपका कमेंट देखा तो अभी रिप्लाई करेंगे ना जी। विकास पंचाल कह रहे मोमा सॉन्ग प्लीज जस्ट फॉर 1 मिनट, मैंने बताया था लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हितेश आओ, विकास आपके लिए और आप सबके लिए जितने भी लोग देख रहे हैं और आप सबकी मदर्स के लिए। ओ मामा माँ पे माँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए भी, ये आप गाना ही आपके लिए, तो फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है। जितनी सारी खुशियां सब तूने दी है, सबसे प्यारी भोली भाली छोटू सी तो गुड़िया है सबके लिए। ओ मामा माँ पे ओ मामा माँ बेबे। अरे अनमोल पूछ रहे हैं अरे सुनो सुनो सुनो, इश्क अनप्लग का सीजन 2 कब आएगा, आएगा भी या नहीं अब तो बता दो प्लीज यार, कैसा है अनमोल ब्रो। देखो
जो अपने है ना वो है ना क्या नाम से सीरियल होता है, उसको सीरियल बनाने वाले लोग अपन नहीं है, अपन तो काम करने वाला लगे उस लोग हैं सीरियल में, अपन बनाने वाले नहीं है। तो बनाता प्रोडक्शन हाउस और चैनल है। तो अभी तो फिलहाल मुझे कोई अपडेट नहीं है कि इश्क अनप्लग्ड सीजन 2 आने वाला है नहीं आने वाला, पर अभी तक तो इतना ही है। मुकेश राजपूरे वीर जी कब आ रहे हैं उदयपुर राजस्थान? वीर जी अपन आ रहे हैं 31 दिसंबर को, अपना कॉन्सर्ट है वहाँ पे द काउंटिंग क्लॉक, और वो एम्बियंस मॉल है उदयपुर में एक, तो एम्बियंस मॉल के ऑपोजिट में एक गार्डन है, वहीं पे एक मतलब ग्राउंड है। गार्डन से तुम सोचो कि छोटा सा गार्डन है, उसमें मोहित आएगा, वहाँ पे आएगा चला जाएगा। नहीं, बढ़िया इंतजाम किया है अपने वहाँ पे, जो लोग हैं ना ये अमन अमन शर्मा और इनकी पूरी टीम ने, लवदीप भाई ने, कुलदीप भाई ने, बढ़िया वहाँ पे शानदार है। तुम तो आओ अपने पूरी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर, वहां पे मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, गाने वाने गाएंगे साथ में। राइट, प्रियल सिंह कह रहे हाय मोहित हाउ आर यू डियर, मैं बहुत अच्छा हूँ प्रियल, और मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा अगले हफ्ते तक, तो जब तक मेरा गला एकदम टंच हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा, और फिर तो देखो तुम क्या क्या गाने सुनाता हूँ, गाने क्या सारी चीजें सुना दूंगा मैं तुमको, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ की। अभिनव कोठारी सर आई वॉन्ट टू मीट यू इन माई ड्रीम सिटी मुंबई। बिल्कुल अभिनव भाई, ज़्यादातर टाइम अपन मुंबई में रहते हैं जब जब शोज़ नहीं होते हैं तो, और कई बार मुंबई में शोज़ होते हैं तो मुंबई में ही रहते हैं। तो आप आ जाइए प्लीज़, जब भी आप मुंबई आए मुझे बताइएगा, पेज पे मैसेज कर दीजिएगा, अगर हो सका तो अपन ज़रूर मिलेंगे। तो अभी मेरी जाने मनो ना, मुझे ना जाने का टाइम आ गया है, और जाने के टाइम में अपन क्या कहते हैं, अगर जो नए लोग हैं ना उनको तो पता नहीं होगा, तो नए लोगों को बताता हूँ कि अपन जाने से पहले बहुत ही प्यारा सा प्यार भरा आई लव यू कहते हैं एक दूसरे को, ये याद दिलानी है। देखो बताने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक कहते हैं ना एक वो फॉर्मेलिटी छोटी सी कि भाई साहब बहुत प्यार है हमें आपसे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एंड प्लीज़ टेक केयर, आई लव यू, आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक, ओके।